हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सुष्मिता। और आज का जो रेसिपी है वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें हमने कम तेल का भी यूज़ किया है और इसे पालक के साथ बनाया है। अक्सर बच्चे साग नहीं खाना चाहते तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले तो मैंने पानी को बॉयल कर लिया है और इसके अंदर मैंने नमक भी डाला था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ पालक के साग और जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और इसे अब हम बॉयल कर लेंगे। साग है तो बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुका है। और इससे हम इसका जो पानी है उसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब मैंने एक ब्लेंडर लिया है और उसके अंदर हमें डाल देना है ये जो पालक है, इसे डाल देंगे और इसे एकदम ठंडा कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्च, जिसे मैं तोड़ के डालूंगी। और हरी मिर्च को इसी टाइम आपको पीस लेना है साग के साथ, तो चलिए इसे पीस लेते हैं। अब हम एक बोल ले लेंगे और इसके अंदर हमें डाल देना चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किया हुआ टमेटो। इसे हमें बहुत ही अच्छे से चॉप कर लेना है, बहुत ही बारीकी से। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस बोल में डाल दूंगी। इन्हें डालने के बाद इसके अंदर हमें डाल देना है सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार। अब हमें इसके अंदर डाल देना है आधा चम्मच गोलकी पाउडर, डालेंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरा जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम जो पीस के रखे थे साग उसे डाल देंगे, ये लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच है, तो इन्हें हमें डाल देना है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन भी इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है, आप इसके अंदर 2 चम्मच बेसन ज़रूर डालें। और डाल देंगे 1 कप मैदा। इतना मैदा और बेसन के साथ आप 2 से 3 बड़े चम्मच पालक का साग का जो पेस्ट था उसे डालें तो इसका रेशियो भी ठीक रहेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, कलर भी ठीक ठाक आएगा। तो 2 से 3 चम्मच आप पालक का पेस्ट इसके अंदर डाल दीजिए। अब मैं इसके अंदर धीरे धीरे पानी डालूंगी और इसका एक बैटर हमें तैयार कर लेना है। लम्स फ्री रहेगा, इसमें कोई गुठली रहना नहीं चाहिए। तो पानी के साथ हम मैदा को अच्छी तरह से मिला लेंगे धीरे धीरे। अब हमें फिर से इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल देना है। मुझे लगता है इसके अंदर और थोड़ा सा पानी चाहिए तो मैं डाल दूंगी और इसका एक पतला सा घोल बना लूंगी। इसका कंसिस्टेंसी कैसा रहेगा मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसी तरह से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से रहना चाहिए। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं, ये तो एकदम रेडी है। तो इसके लिए मैंने एक पैन गर्म कर लिया है, मैं यहाँ पे नॉनस्टिक का पैन यूज़ कर रही हूँ। आप अगर नॉर्मल पैन यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर पहले थोड़ा सा तेल लगा के टिश्यू से पोंछ लीजिए, उसके बाद इस बैटर को डालिएगा, नहीं तो अच्छे से नहीं निकलेगा। नॉनस्टिक में बहुत ही आसानी से निकल जाता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो डालने के बाद इसे हमें फैला देना है चम्मच के पीछे से एकदम गोल शेप में, और जितना पतला हो सके उतना ही पतला आप इसे फैला दें। और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और ऊपर का कुछ कलर ऐसा हो जाएगा, देखिए इस तरह से आपको देख के ही पता चल जाएगा। तब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो जाए तब हम इसे चम्मच के ऊपर उठा लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा एकदम कम मात्रा में तेल डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तेल में इसे सेकने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है और इसके अंदर इसे डाल देंगे और तुरंत ही हम इसे पलट लेंगे ताकि दूसरे साइड से भी तेल से ही कोट हो जाए। और अब हम चम्मच से प्रेस करते हुए इसे कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से इसका दोनों साइड अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा।
और इस रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। इसमें मिर्ची जो है इसे पीस के ही डालिएगा, ऐसा नहीं कि काट के डाल दीजिएगा। पीस के डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाता है, तो मिर्ची को आप ज़रूर पीस के दीजिएगा। और देखिए इसका ऊपर से भी अच्छा से कलर आ गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसे मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह से जो बचा हुआ है उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये रेसिपी आपको अगर पसंद आया हो तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने देखा ही होगा कितना हेल्दी भी है और कितना जल्दी बन जाता है, और ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट आप घर में ज़रूर बना सकते हैं और कितना जल्दी भी तो बन जाता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और कॉमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।